तो योद्धाओं, कल एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मेरे पास, मतलब रितेश गुप्ता के पास, अगर कोई टेस्ट सीरीज दे रहा है और इसके अलावा किसी कोचिंग में भी टेस्ट दे रहे हैं, जैसे आप कोई विभिन्न कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे ही रहे होंगे, कोई ऑनलाइन दे रहा होगा, तो उनके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है मॉडल आंसर क्वेश्चंस, उसका क्या करना है, उसको भी पढ़ना है। इसका जवाब मैं देता हूँ कि आपके पास सीमित समय है, आपके पास ऐसा नहीं तो कि अभी एक साल का समय है आपको एग्ज़ाम देने का, तो आपके पास क्या है, समय की सीमा है और सिलेबस की सीमा नहीं है, सिलेबस की भी सीमा है लेकिन कंटेंट की कोई सीमा नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर पढ़ने का समय हो तो सिलेबस का कंटेंट को ही आपको बार बार रिवाइज करके याद करने की कोशिश करनी है। और टेस्ट सीरीज का महत्व सिर्फ आपका वहाँ पे जाके अपनी इवैल्यूएशन करना है, एग्ज़ाम हॉल में मेंटल स्टेटस देखना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, आपको जो मॉडल आंसर वो प्रोवाइड करते हैं अपने आंसर से उनको मैच करिए, देखिए कि इसमें मैंने कहाँ पे गलती किया था और इसमें कहाँ पे और लोगों ने इम्प्रूव किया है, इसको और किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उनसे कुछ कॉपी से सीख सकते हैं, उनको बैठ के याद नहीं करना है। क्वेश्चन फंसेगी इसकी बहुत कम गारंटी होती है, तो आप क्वेश्चन को लेके याद करने बैठेंगे तो सिलेबस का कंटेंट आपका छूट जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि उनके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ना उनके आपके क्वेश्चन को पढ़ना है ना उनके मॉडल आंसर को बैठ के पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी जब आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा। जब आपके पास समय है तो आपका पूरा पूरा समय सिलेबस के कंटेंट को ही अधिक से अधिक बार रिवाइज करने में ही जाना चाहिए। कभी भी रिवीजन ही मेन है आपके सिलेक्शन के लिए, आप किसी से भी पूछ लो, आपको एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें याद होंगी तो आप बहुत अच्छे से भी लिख पाएंगे और सारा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको किसी भी मॉडल आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी रिफरेंस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसके आंसर आप डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सिलेबस के कंटेंट का ही प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आप इनडायरेक्टली सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, आप बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ सिलेबस का ही रिविज़न मोड में आपको क्वेश्चन आयर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे क्वेश्चन को आप डेफिनेटली बार बार पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ आपके इवोल्यूशन के लिए होंगे, आप उनको पढ़ने में समय वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। देख लगते हैं थोड़ा सा, जब आपका एग्ज़ाम देने के बाद सेल्फ इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम हॉल के आने के बाद, आप टेस्ट देने के बाद आपको जो मॉडल आंसर मिलते हैं, दूसरों की कॉपियाँ मिलती हैं, अपनी कॉपी से उनको मैच करिए, कहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ये सब देखना है कि इसको इसने कितने अच्छे से लिखा है, मैंने क्यों नहीं लिखा, तो अगले बार इस टेक्निक को मैं अगले आंसर में इम्प्रूव करके लेके आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन में सीख सकते हैं, बिल्कुल भी मत बैठ जाओ उसको पढ़ने के लिए, नहीं तो आपका सिलेबस का कंटेंट छूट जाएगा। तो बहुत मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अपने ही टेस्ट सीरीज नॉक करके वो एक दो और टेस्ट सीरीज़ के भी मॉडल आंसर अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और उनको बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर मेन सिलेबस का कंटेंट वो रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं, फिर चीज़ें उनको याद नहीं होती है और एग्ज़ाम हॉल में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। 100% क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, अटेम्प्ट करना एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी को। आप कितने बार सिलेबस को ही बहुत बार पढ़ के आपने याद कर रखा है तभी आपने वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये मान लो कि 60-70% डायरेक्ट सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, 30-40% क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो सिलेबस का इम्प्लीकेशन होता है। तो आप यही मानो कि सिलेबस आपने पढ़ रखा है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको बना लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी अगर इधर उधर से पूछ लिया तो अपनी जनरल थिंकिंग के क्वेश्चन के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से आपको उसको अटेंड करना होता है। वो तभी होगा जब आप सिर्फ सिलेबस को ही बहुत बार पढ़ रखे होंगे। तो मैं आपको बहुत ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको बिल्कुल भी मत पढ़ना। हमारे टारगेट में आज हम लोग छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप सिलेबस पकड़ना, सबसे पहले क्या करना है आपको सिलेबस पकड़ना है। इसमें भौतिक विशेषताएं पहला हेडिंग है जिसमें स्थिति विस्तार भूगर्भिक संरचना भौतिक विभाग अपवाह तंत्र जलवायु मिट्टी जो मेजर टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है वनस्पति और वन्य जीव जिसमें वनों का महत्व वन्य जीव प्रबंधन राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राज्य की वन नीति वन संरक्षण ये सारी चीज़ें। तो इतना ही आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है, टुटेजा ट्यूटोरियल की प्रतियोगी सारांश की पिछले साल बुक आई थी छत्तीसगढ़ का भूगोल, पिछले साल भी नहीं 2 साल पहले की बुक है वो,
उसके बाद उन लोगों ने अपडेट नहीं किया है, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आपके पास वो बुक है तो उसको रखो और उसे ही पढ़ो। और मैंने मार्केट में कल पता किया तो हरिराम पटेल सर की अलग से छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की बुक नहीं आई है। तो आपके पास यही दो ऑप्शन है, एक प्रीलिम्स में आने, प्रीलिम्स में आप लोगों ने जो छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रखा है उसको ही एक बार रिवाइज करना है करंट अपडेटेड मोड में, और जो पुराना परंपरागत मोड रहता है वो प्रतियोगिता सारांश की बुक से ही पढ़ेंगे आप। तो ये दो बुक आपको फॉलो करना है, प्रतियोगिता सारांश की बुक जिनके पास है वो फॉलो ही करेंगे, जिनके पास नहीं है वो ले लेना। और प्रीलिम्स में आप लोगों ने हरिराम पटेल सर की जो बुक रखा है उससे ही अपडेटेड वर्जन में पढ़ना है। तो इस तरीके से आप छत्तीसगढ़ की भूगोल आप पढ़ेंगे। और आज आपका मैथ्स में वैदिक मैथ्स का टेस्ट होगा। मैंने फर्स्ट 4-5 पेज में कंप्लीट रिवीजन मोड के लिए, आपके रिवीजन के लिए सारा कंसेप्ट को 5 पेज में संग्रहित कर दिया, एक जगह लिख दिया है कि आपको फिर इधर उधर भटकना ना पड़े। 5 पेज में आपका सारा कंसेप्ट है, उसके बाद 2 पेज में आपके क्वेश्चंस हैं। कुछ देर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट रहेगा, मैथ्स का आपको सेंटेंस देना है, छत्तीसगढ़ का भूगोल स्टार्ट करना है। पहला लिखना आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में, फबना, फरहर, फजीहत, बांस या लकड़ी का दरवाजा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, फरिया, फाटा, फाता, फुटका, फुलबासन और फुतका, ये आप बताओ कि इसमें छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में क्या है। आज के लिए इतना ही रहेगा, हिंदी में टास्क मैं कल दूंगा, जो आप पढ़ रखे हो कल हिंदी में उसको रिवाइज करना है और टेस्ट जरूर देना है। और मैथ्स को मतलब ज्योग्राफी को कंप्लीट करो, और रिवीजन मोड ऑन रहेगा हमारा इसी तरीके से ही, और क्वेश्चन भी इसके दूंगा मैं कल, तो आप लिखोगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट साथ। बहुत अच्छे से स्पीड में पढ़ाई करना है और एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू।